अरे तू तू क्या कर रहा है? हम सब यतीम हैं, हमारे माँ बाप कोई नहीं है। मैं तेरा भाई हूँ महेश। मेरा कोई भाई नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है। होते तो क्या मैं यतीम खाने में होता, लोगों के दरवाजे पर भीख मांगने जाता? तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? मेरा कोई भाई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भैया भैया भैया। महेश, अरे मम्मी ने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए, आ जाओ जल्दी। पापा मैंने बोला ना भूख नहीं है। नहीं है तो मत खाओ, हम तो खाएंगे भाई। आइए महेश जी आइए, इससे मिलिए अमित, हमारा बड़ा बेटा। अमित मेरा भैया, मेरा भैया। अमित, महेश को तो भूख है नहीं, उसके हिस्से का पराठा तुम ले लो। पहले मेरा भैया फिर आपका बेटा। कितनी बार ये खिलौने साफ करोगे? कितनी खामोशी है ना, ऐसा लगता है हमारे आंगन में कभी बच्चे खेले नहीं। मैंने कभी बच्चे पैदा ही नहीं किए। ऐसा लगता है तुम बांझ नहीं हो, तुमने तो इतने खूबसूरत और प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया है। वो यहां नहीं है तो क्या हुआ? हम है ना दोनों, उन बच्चों की यादें हैं ना। तुम चिंता मत करो, उन यादों के सहारे गुजार लेंगे।
मैं तो मेरे बच्चों की शिकायत रह जाएगी। विद्या उठो। अब तुम्हारा ये बसेरा छोड़ने का वक्त हो गया है। सागर, सागर, सागर। हाँ, क्या हुआ? मेरा बुलावा आ गया है। कोई बुरा सपना देखा होगा, सो जाओ। नहीं सागर, सपना नहीं, सपने तो सारे खत्म हो चुके हैं। तुम मेरे सफर का बंदोबस्त कर दो। मैं जाने से पहले अपने सारे बच्चों से मिलना चाहती हूँ। ठीक है। ये लो, बस इतने लेना है तो लो, वरना तुम्हारी मर्जी। ठीक है। तुम भी साथ चलते बच्चों को देखने, वो लोग खुश हो जाते। विद्या, पैसे इतने हैं कि हम दोनों में से सिर्फ एक ही जा सकता है, और मेरे ख्याल में तुम्हारा जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। अपना ख्याल रखना। देखो कौन आया। कौन आया मुन्ना? देखो ऐसे भी करते। मुन्ना, मुन्ना आ आ, मैं तेरी माँ हूँ। क्या ना मुन्ना, आ। काफी दिन हो गए ना, शायद इसलिए आपको पहचान नहीं रहा। आपको बुरा तो नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो संतोष है कि आप लोगों ने उसे इतना सुख दिया है कि मुझे भूल गया है। बहन जी, हाँ जी, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे बताना नहीं कि उसकी माँ मैं थी। ये हाँ, मैं उसके लिए लाई थी। देखो, हाँ लेके देती हूँ। आप अंदर तो आइए प्लीज। जी नहीं, मैं बाद में। करो आहा, रेडी एवरीबॉडी, रेडी